आज होली का दिन है और बाबा ने भी बहुत अच्छी अच्छी होली की परिभाषाएं सुनाते हुए हमें अलग अलग अर्थ भाव भावनाएं जिंदगी में खुश रहने के लिए सुनाई है। तो हम उनको याद करते हुए याद रखते हुए और उसी की धारणा में चलते हुए खुश रहते खुश करते और होली के पावन त्योहार को पवित्रता की पवित्र स्मृति के साथ खुशियों में मनाएंगे। तो आप सर्व को होली की बहुत बहुत बधाई हो अभिनंदन हो अभिनंदन हो। आज की तारीख है 7/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मर कर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि ये ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए तो सब सहज पास हो जाए तो लाखों की माला बन जाए। इसीलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। गीत बजा है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य दो ज्ञान बिंदु, नंबर एक बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है, चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। नंबर दो इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, स्वयं को स्वर्ग के वर्षे के लायक भी बनाना है, साथ में वह भी करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भाव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं होली अर्थात जो कुछ हुआ वो हो गया, जो सीन हुई होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता है कि होली। होना था सो हो गया, जो बीता हो गया। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों क्या कैसे इन प्रश्नों में उलझते नहीं, सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। स्लोगन है सबसे बड़े धनवान वो है कौन, सबसे बड़े धनवान वह है
जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।